Subscribe to my channel and press the bell icon for more such videos. Hello and welcome back to my channel. So today we are going to study about labiorohita. So first of all बात करें लेबियो के लोकल नेम की तो इसे लोकली रोहू कहा जाता है और इसे डैम्ब्रा या टेप्रा भी कहा जाता है. इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में मिलता है और फ्रेश वाटर जैसे क्लीन क्वाइट रिवर्स स्ट्रीम्स पॉन्ड्स और ये नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में मिलता है, पाकिस्तान बर्मा और बांग्लादेश में भी मिलता है. इसकी हैबिट्स की बात करें तो जब ये यंग होता है तब कार्निवोर्स होता है, तब ये वाटर फ्लीज और इंसेक्ट लार्वा पे फीड करता है. जब अडल्ट हो जाता है तब ये हर्बीवोर्स हो जाता है और तब ये एल्गे और एक्वेटिक प्लांट्स पर फीड करता है. इसके अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल नहीं है. और इसके जो ये इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं एक्सटर्नली, मतलब इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट नहीं है. उसके बाद फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल है, ये ओविपेरस है मतलब एग लेइंग एनिमल है. ये ब्रीड करते हैं जुलाई और अगस्त में और फ्रीक्वेंटली कम टू द सर्फेस टू गल्प एयर इन टू द एयर ब्लैडर थ्रू इसोफेगस. फ्रीक्वेंटली ये सर्फेस पर आते रहते हैं टू गल्प इन द एयर इन टू देयर एयर ब्लैडर. एयर ब्लैडर क्या है हम आगे पढ़ेंगे. अब बात कर लेते हैं रोहू के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की. सो इसकी जो शेप है वो इलोंगेटेड है, लेटरली कंप्रेस्ड है और स्पिंडल लाइक बॉडी है, टेपिंग एट द एंड. लेंथ 90 सेंटीमीटर होती है जब ये फुली ग्रोन हो. उसके बाद इसका कलर जो है वो ग्रेश ऑन द बैक है और सिल्वरी वाइट ऑन द साइड्स है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. इसकी जो बॉडी है वो साइड से टेपरिंग है, ठीक है. तो इसका मतलब है स्पिंडल शेप बॉडी है और ये साइड से कंप्रेस है, मतलब ये साइड से चपटी है और यहाँ पर इस साइड से ये इसकी विड्थ ज़्यादा है. उसके बाद इसका जो कलर है ऑन द बैक, मतलब इस एरिया में ये ब्लैक कलर की होती है ऑन द बैक और उसके बाद जो इसकी साइड है लेटरल साइड्स हैं वहाँ पर ये वाली और इसकी बैक साइड वो सिल्वरी वाइट है. फिर बात कर लें इसकी बॉडी डिमार्केशंस की तो बॉडी डिविजिबल है इनटू थ्री पार्ट्स, हेड ट्रंक एंड टेल, बट इनके बीच में कोई भी क्लियर डिमार्केशंस नहीं है और इसके अंदर नेक भी एब्सेंट है, ठीक है. उसके बाद जो इसका हेड रीजन है वो डिप्रेस्ड है और एंड इन अ फ्रंट इन द फ्रंट इनटू अ शॉर्ट ब्लंट स्नाउट और वो स्केललेस भी है. तो ये है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो डिमार्केशन है वो क्लियर नहीं है, मतलब यहाँ से टेल शुरू हो रही है बट यहाँ पर कोई भी ऐसी डिमार्केशन है जिससे पता चले कि यहाँ से टेल शुरू हो जाएगी और यहाँ से ट्रंक शुरू हो रहा है बट यहाँ पर भी कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है. और इसका जो हेड रीजन है वहाँ पर एक स्नाउट है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है. और ये थोड़ा डिप्रेस्ड हेड, मतलब थोड़ा नीचे को बेंड है और साथ में यहाँ पर स्केल्स भी नहीं है, बाकी बॉडी स्केल से कवर्ड है बट हेड रीजन में स्केल नहीं है. फिर उसके बाद आ जाता है माउथ. जो माउथ है वो सब टर्मिनल है, ओवरहंग बाय द स्नाउट, ट्रांसवर्स स्लिट बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स, जॉज विदाउट टीथ. तो जो इसका माउथ है ये सब टर्मिनल है, मतलब टर्मिनल होता है जो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब जो एकदम टिप पे है, ये एक इसका एंड है और दूसरा एंड ये है यहाँ पर प्रेजेंट, पर ये सब टर्मिनल है, मतलब उससे थोड़ा ऊपर है टर्मिनल पार्ट से. और यहाँ ये एक्चुअली में सिर्फ एक ट्रांसवर्स स्लिट है विच इज बाउंडेड बाय द लिप्स. ये आपको लिप्स दिख रहे होंगे, फ्लैशी लिप्स होते हैं अपर एंड लोअर लिप्स, इससे बाउंडेड है. और इसके अंदर जो जॉस तो प्रेजेंट है बट उसके अंदर टीथ नहीं है, बिकॉज ये गनेथोस्टोमा है इसलिए इसमें जॉस तो प्रेजेंट होंगे इस फिश में बट उसके अंदर टीथ प्रेजेंट नहीं होते. सो अब जो हेड रीजन में नेक्स्ट पार्ट आता है वो है बाबल्स. ये थ्रेड लाइक टेपरिंग सेंसरी प्रोसेसेस हैं, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द स्नाउट जस्ट अबव द माउथ. ये हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं, यहाँ आप देख सकते हो ये, ठीक है. ये मतलब थ्रेड लाइक प्रोसेसेस हैं, हेयर लाइक नहीं, थ्रेड लाइक प्रोसेसेस हैं और ये ऑन द स्नाउट प्रेजेंट है जस्ट अबव द माउथ. ये माउथ है, यहाँ स्नाउट पे ये प्रेजेंट है जस्ट अबव द माउथ. बाबल प्रेजेंट सेंसरी थ्रेड लाइक ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ये वेव्स और वाटर को सेंस करने में हेल्प करती हैं.
ये नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, ये जो नॉस्ट्रिल है ये डॉर्सोलेट्रल पोजीशन पे है। डॉर्सोलेट्रल का मतलब कि डॉर्सल सरफेस है, मतलब ऊपर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर लेटरल साइड पे, मतलब वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन द बैक साइड यहाँ पर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है। अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल ये अंदर ओपन होते हैं इनटू द ऑल्फैक्टरी सैक्स, ये आगे ओपन होते हैं इनटू द ऑल्फैक्टरी सैक्स। नेक्स्ट जो पार्ट है हेड रीजन में वो है आईज। लार्ज इन साइज, लाई लेटरली हैव सर्कुलर प्यूपिल, नो आईलेट, कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्किन। ये बहुत बड़ी आईज इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब काफी उनका प्रोमिनेंट साइज है, बट उसके अंदर जो है आईलेट प्रेजेंट नहीं है, जब वो एक ट्रांसपेरेंट स्किन से कवर्ड है और उसके अंदर एक सर्कुलर प्यूपिल भी प्रेजेंट होता है। ये आई है, ये सर्कुलर प्यूपिल प्रेजेंट है और यहाँ आपको दिख रहा होगा कोई आईलिड नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्किन से कवर्ड है। नेक्स्ट है ओपरकुलम, अ बोनी फ्लैप दैट कवर्स द गिल्स, गिल चैम्बर और द ब्रैंकियल चैम्बर। द गिल चैम्बर ओपन्स आउट बाय अ लार्ज क्रिसेंटिक अपर्चर कॉल्ड ब्रैंकियल अपर्चर। यहाँ पे ये एक बोनी फ्लैप लाइक बोनी फ्लैप है और ये इसके नीचे जो है ब्रैंकियल चैम्बर प्रेजेंट है और जब ये फ्लैप के नीचे एक क्रिसेंटिक ओपनिंग है, अपर्चर है जिसको कहते हैं ब्रैंकियल अपर्चर, और उसके नीचे ब्रैंकियल चैम्बर प्रेजेंट है और उसे कवर करता है ये बोनी फ्लैप कॉल्ड ओपरकुलम। सो नेक्स्ट इज ट्रंक, ये हेड के बाद सेकेंड पार्ट आ गया ट्रंक, उसके अंदर है कि एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ओपरकुला टू द एनल अपर्चर। ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ओपरकुला से लेकर एनल अपर्चर तक एक्सटेंड करता है, थिक पार्ट है, लिटरली कंप्रेस्ड है, थिकेस्ट पार्ट एक्चुअली और लिटरली कंप्रेस्ड है, कवर्ड बाय ओवरलैपिंग डर्मल साइक्लॉइड स्केल्स। ओके, सो ट्रंक शुरू होता है यहाँ से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओपरकुला यहाँ से स्टार्ट होकर वो एंड करता है एनस तक, यहाँ पर एनस प्रेजेंट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, ये क्या है ट्रंक है। तो जो ट्रंक होता है वो थिकेस्ट पार्ट है, आपको दिख रहा होगा साइड पे तो टेपरिंग है बॉडी, बट ये पार्ट जो है वो थिकेस्ट है, तो ट्रंक पार्ट जो है वो थिकेस्ट पार्ट है बट ये लिटरली कंप्रेस्ड है, मतलब साइड से ये चपटा होता है। और जो ये ट्रंक रीजन है ये पूरा किससे कवर्ड है, साइक्लॉइड स्केल से, ये स्केल जिसे मार्क किया गया है ये साइक्लॉइड स्केल है, इससे कवर्ड है ट्रंक। सो जो ट्रंक रीजन होता है वहाँ बहुत सारे फिन्स और अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फिन्स क्या है। फिन्स हैं थिन आउटग्रोथ ऑफ स्किन विद मसल्स एंड बोनी सपोर्टिंग रॉड्स कॉल्ड द फिन रेज। सो ये थिन आउटग्रोथ ऑफ स्किन है विद मसल्स एंड बोनी सपोर्टिंग रॉड्स, मतलब ये वेब लाइक होते हैं, एक तरह के मसल्स होते हैं जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होते हैं जो इन फिन्स को सपोर्ट करते हैं और इसके कारण इनको ये जो बोनी सपोर्टिंग रॉड्स हैं इनको फिन रेस कहते हैं और इसके कारण इनको इनके जो फिन्स हैं उन्हें रे फिन्स कहते हैं और इन फिशेस को रे फिन ठीक है। सो इसलिए एक्टिनोटगाई सब क्लास के अंडर आता है बिकॉज ये रे फिन्ड है। फिन्स टू टाइप्स की होते हैं फिशेज में, मीडियन फिन्स एंड लेटरल फिन्स। मीडियन फिन्स मतलब अनपेयर्ड, सिंगल प्रेजेंट होते हैं जॉन से, और लेटरल मतलब पेयर्ड फिन्स जो साइड पे प्रेजेंट है और पेयर्ड हैं ठीक है। तो जो मीडियन फिन है वो तो एक ही है जो है डॉर्सल फिन ऑन द मिड डॉर्सल लाइन। जो लेटरल या पेयर्ड फिन्स हैं वो हैं टू टाइप्स के होते हैं लेबियो में, पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन एंड पेयर ऑफ पेल्विक फिन्स। जो पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन है वो वेंट्रोलेटरल मार्जिन पे प्रेजेंट है जबकि जो पेल्विक फिन है वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है।
आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये जो है डॉर्सल फिन है और ये मिड डॉर्सल लाइन पे, ये डॉर्सल सरफेस की मिड में प्रेजेंट है, इसलिए इसे मिड डॉर्सल लाइन कहते हैं। यहाँ पर डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, ठीक है, ये सिंगल है इसलिए मीडियन फिन है, और ये जो है पेयर में प्रेजेंट होते हैं पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। पेक्टोरल फिन ऑन द लेटरल साइड प्रेजेंट है और पेल्विक फिन ऑन द वेंट्रल सरफेस। ये एक इस साइड है, एक उस साइड, ये भी एक इस साइड, एक उस साइड, मतलब ये पेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें अपर्चर्स की, तो ट्रंक रीजन में तीन अपर्चर्स हैं, एनस, यूरिनरी अपरेटस एंड जेनिटल अपरेटस। सो जो वेंट्रल साइड पे ये प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ द एनल फिन, ये यूरिनरी अपर्चर भी वेंट्रल साइड पे है बिहाइंड द एनस, और बिटवीन द एनस एंड द यूरिनरी अपर्चर क्या प्रेजेंट है, जेनिटल अपर्चर। ये है, यहाँ पर एनस प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके पीछे जो है सबसे पीछे प्रेजेंट है यूरिनरी अपर्चर, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है जेनिटल अपर्चर। सो जो लास्ट डिवीजन है वो है टेल, फॉर्म वन थर्ड ऑफ द बॉडी, ये वन थर्ड हिस्सा है बॉडी का, और लेटरली कंप्रेस्ड है मतलब साइड से चपटी, कवर्ड बाय साइक्लॉइड स्केल, ये भी ट्रंक की तरह साइक्लॉइड के स्केल से कवर्ड है। फिन्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के फिन्स हैं, वेंट्रल या एनल फिन भी कहते हैं उसे, और कॉडल फिन, ठीक है। और जो वेंट्रल या एनल फिन है वो अराइज करता है फ्रॉम द मिड वेंट्रल लाइन जस्ट बिहाइंड द एनस, और जो कॉडल फिन है हाइंड एंड ऑफ द टेल फॉग डीपली इंटू टू सिमिलर लोब्स। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी जो टेल है वो एनस से स्टार्ट होती है और यहाँ से बाकी का सारा पार्ट किस में आता है, टेल रीजन में। यहाँ पर मिड वेंट्रल लाइन पे जो फिन प्रेजेंट है उसे कहते हैं एनल फिन, बिकॉज ये एनस के पास प्रेजेंट है इसलिए एनल फिन, और जो एकदम हाइंड एंड पे प्रेजेंट है उसे कहते हैं कॉडल फिन। ये होमोसर्कल है मतलब इसके ये टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो सकता है, और ये डीपली फॉग्ड होता है, और बाइलोब्ड है मतलब अपर और जो लोअर लोब है वो इक्वल इन साइज है, इसलिए होमोसर्कल कहते हैं इसको। और ये जो सारी टेल है वो किससे कवर्ड है, साइक्लॉइड स्केल से, और ये लेटरली कंप्रेस्ड भी है, ये हम पहले बता चुके हैं। एक जो लास्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो है लेटरल लाइन रिसेप्टर्स। एक फेंट लाइन प्रेजेंट होती है ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रंक एंड टेल, मार्क द पोजिशन ऑफ अंडरलाइंग ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट द वेव्स, वाटर करंट एक्सेट्रा। यहाँ पर ये ट्रंक रीजन है और ये टेल रीजन है, यहाँ पर एक फेंट सी लाइन प्रेजेंट है, ठीक है, इसे कहते हैं लेटरल लाइन। यहाँ पर इसके नीचे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके नीचे उसी की पोजीशन ये बताता है। इसका काम क्या है, वाटर करंट डिटेक्ट करना, वेव्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर लेटरल लाइन के नीचे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट इज अ एक्सलेंट फूड फिश एंड रिस्पॉन्ड्स वेल टू द पिसिकल्चर। So these were some introductory points and the external characters of labia rohita. Now we will study about this in detail in our next videos. Thank you.